अगर आप मुझसे जब मैं बैंकिंग में काम करता था तब मिलते, मतलब मुझे आशा है आज तो आप शायद मुझे पसंद करते हो, लेकिन अगर तब उस ज़माने में मिलते तो आप मुझे सख्त नॉट अ नापसंद। लाइकेबल पर्सन. अरे मैं इतना चिल्लाता था, आई वॉज स्क्रीमिंग शाउटिंग कम्पेटिटिव हाइपर कम्पेटिटिव, अच्छा हर चीज़ में सोचता था अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। अगर अच्छा इंक्रीमेंट मिलता था तो सोचता था नहीं कम मिला ज़्यादा मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिला तो सोचता था 2 साल पहले क्यों नहीं मिला। खुश नहीं रहते थे. हाँ जो भी सफलता मिले खुशी कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं हरदम आगे ही सोचता रहता था कि नहीं, मेरी सैलरी सिर्फ इतनी है, इतनी क्यों नहीं हुई, यू नो कैबिन मिला तो मेरा कैबिन बड़ा क्यों नहीं है। तो अगर वैसा आपका यू नो आपकी मानसिक स्थिति वैसी हो, भगवान जो भी आशीर्वाद भेज दें कभी कभी आपके लिए गुड इनफ नहीं होता है, आप हरदम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं। और आज के माहौल में कई लोग शायद ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप आस्तिक हैं कि नास्तिक? सीधे सबसे मूल प्रश्न में आप सीधे ही कूद गए। अभी तो मैं आस्तिक हूँ, लेकिन कई सालों तक मैं नास्तिक था। बचपन में जब कॉलेज में था तब नास्तिक बन गया, और करीब 10-12 साल तक मैं नास्तिक रहा। और मेरी जो पहली किताब है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, उसे लिखते लिखते मैं धीरे धीरे आस्था की तरफ खिंचा चला आया, किताब लिखने के दौरान. किताब लिखने के दौरान। वाह. करेक्ट। तो मतलब मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरी किताबों का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरी ज़िंदगी पर। यश मिला है, सक्सेस मिला है, लेकिन सबसे बड़ा जो आशीर्वाद रहा है कि मेरा जो चरित्र था वो पूरा 180 डिग्रीज बदल गया। और भगवान का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है कि वो आपकी दुनिया नहीं बदलते हैं, वो आपको बदल देते हैं। हाँ. क्योंकि अगर आप बदल जाएं तो फिर आप दुनिया को बदल दुनिया सकते हैं. नहीं, भाई बदलेगा तो भाई वो तो प्रभु ही बदल सकते हैं, लेकिन आप दुनिया में अपना छोटा सा योगदान कर सकते हैं और दुनिया को शायद समझ भी सकते हैं, और उसका जो रस है उसका आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि सुख दुख तो होता रहता है ज़िंदगी में, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है। बिल्कुल. और मैं आपसे बड़ा रिलेट करता हूँ जो आपने बात कही, क्योंकि जब मैं भी एक दूसरी दुनिया में था. उतनी अलग तो नहीं थी मेरी दुनिया जितनी आपकी थी, बैंकिंग और लेखन, लेकिन जर्नलिज्म की दुनिया में था. और जब रेडियो की दुनिया में जी कदम रखा, एकदम जी नया सफ़र था. और मैं भी ये मानता हूँ कि पिछले मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है, वो मैं बता दूँ आपको, बहुत मैं सुनता हूँ। और आपके शुक्रिया. बोलने का नजरिया ऐसा होता है, अगर कहानी में कुछ भी नहीं हो फिर भी मैं बहुत सुनता शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं ये सीरियसली मानता हूँ हूँ। कि पिछले 6-7 साल में कहानियाँ सुनाते सुनाते मैं बेहतर इंसान बना हूँ. क्योंकि इट मेक्स मी बिकम द अदर एवरी डे. मैं कोई और बन जाता हूँ, एक नाराज़ पिता बन जाता हूँ, एक माँ बन जाता हूँ जिसको अपने सपने छोड़ देने पड़े शादी के बाद, जिनको संगीत का शौक था लेकिन शादी के बाद त्यागना पड़ा. करेक्ट। एक बेटा या बेटी बन जाता हूँ जो अपने माता पिता को या रिश्तों को नहीं समझ पाता है. और शायद यही एक कमी है. नाउ व्हेन आई लुक बैक इन टुडेज़ वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट बिकम द अदर. और वो एम्पथी शायद कहीं चली एम्पथी. जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल. आपने जब लिखना शुरू किया और पहली बार पब्लिश हुई, लिखना तो पहले शुरू किया होगा, तो एक नई ज़मीन बनाई आपने, और अपने लिए भी जी और ऑडियंस के लिए भी. क्योंकि अब थोड़ा मैं फिर से रिलेट कर रहा हूँ कि जब मैंने कहानियाँ सुनानी शुरू की तो मुझे बताया गया था कि कहानियाँ कौन सुनना चाहता है.
प्राइम टाइम पे कहानियां कौन सुनना चाहता है जब मुन्नी और शीला के गाने आ रहे होते हैं और किसी रेडियो पे भाभियों को छेड़ा जा रहा होता है, तो आप गंभीर कहानियां सुना रहे हैं, who's interested in stories in today's day and age, right? और जब आपने यात्रा शुरू की होगी, क्या आपको भी इसी तरह के? देखिए, मेरी जो पहली किताब है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जब ये ख़त्म हुई, जब मैंने लेखन ख़त्म किया इसका, तो करीब 2008 में, तो कई प्रकाशकों को ये किताब भेजी गई। अच्छा। और हर प्रकाशक ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। बोला कि भाई आज की जो, मतलब जो पाठक जो हैं ज़्यादातर तो युवा पीढ़ी के हैं, राइट, और वही मेन मार्केट है, और उनमें मतलब धार्मिक बातों पे या क्या लेना देना कुछ रुचि नहीं है। तो मतलब एक प्रकाशक ने मुझे कहा भी था कि देखिए आपका लेखन का जो नज़रिया है वो अच्छा है, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, लेकिन आपने सब्जेक्ट एकदम रॉन्ग चुना है। तो उनने कहा था देखिए आप ये कॉलेज रोमांस के बारे में कुछ लिखिए या वो सब दौड़ेगा। तो मैंने कहा भैया वो कहानी तो है नहीं मेरे जहन में, और मैं ये सोच ही नहीं रहा था कि मुझे लेखक बनना है, बेस्टसेलर बनना है, ये कौन सोच रहा था। मेरे जहन में एक किताब आ गई थी, कहानी आ गई थी, मैं वही लिख रहा था, शिवजी का आशीर्वाद था। तो उनने सब रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि भाई उसका कुछ कॉपी नहीं है। अच्छा। तो कह रहे थे ये तो गारंटीड फ्लॉप है। तो और एक और बात, एक दूसरे प्रकाशक ने कहा था कि देखिए, और वो कह रहा था कि हम प्रकाशन करने को तैयार हैं क्योंकि कहानी अच्छी है, लेकिन कठिनाई ये है कि हर एक दो चैप्टर में आप ये ज्ञान सेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरी किताबों में फलसफे बहुत होते हैं, आई स्पीक ऑफ फिलोसफी, फॉर मी दैट इज़ द सोल ऑफ द बुक, राइट। और हमारा जो भारत का जो, हमारी जो परंपरा रही है कि अगर किसी किताब में फलसफा नहीं है, इट इज़ एज बैड एज अ बॉडी नॉट हैविंग अ सोल, देर इज़ नो पर्पस, एब्सोल्युटली देर इज़ नो पर्पस। ऐसा नहीं कि जो पाठक हैं दे हैव टू अग्री विद द फिलोसफी, नो, नॉट नेसेसरली, दे मे अग्री, दे मे नॉट अग्री, दे मे अंडरस्टैंड, दे मे नॉट अंडरस्टैंड, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन किताब में होनी तो चाहिए। बिल्कुल। ये कह रहा था ये आप जो ज्ञान सेशन बार बार आप डालते रहते हैं, इसे हटाइए। तो मैंने कहा वो तो मतलब किताब की आत्मा है, तो मैं नहीं हटाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम नहीं, टू बैड। लेकिन ये गुड थिंग अबाउट हैविंग अ जॉब, आई डिडंट नीड दिस टू अर्न मनी फॉर मी, सैलरी तो चल रहा था, तो दिस वॉज मोर वॉइस ऑफ माई सोल। तो फाइनली एक्चुअली आई सेल्फ पब्लिश्ड, आई सेल्फ माई फर्स्ट बुक, आई सेल्फ पब्लिश्ड। हाउ इंटरेस्टिंग। अच्छा। तो एंड देन लॉर्ड शिवाज ग्रेस, इट टुक ऑफ इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। तो फिर कुछ महीनों बाद जो पब्लिशर्स, कई पब्लिशर्स ने जिनने किताब रिजेक्ट किया था, तो वापस आए कि हाँ कि एंड यू विल फाइंड एक्चुअली, अगर आप जो मेरे जो युवा पाठक जो हैं, अगर आप उनसे बात करें, उनको कहानी में भी मज़ा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़लसफे की बातें वो करते हैं। बिल्कुल। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, दे डोंट गेट इनटू द फिलोसफीज, वो ये कहते हैं हाँ ये स्कंद पुराण का आपने इंटरप्रिटेशन ऐसे किया, या बिकॉज दे नो द टेक्स्ट, द यूथ मे नॉट नो द टेक्स्ट, सो दे गो इनटू द फिलोसफीज, बट द ओल्डर पीपल विल बी रिलेटिंग टेक्स्ट टू दिस, हाँ ये मतलब अद्भुत रामायण में ये था, उसका इंटरप्रिटेशन आपने सीता में ये किया, दे हैव दोज काइंड ऑफ डिस्कशंस, बट द रियल फिलोसॉफिकल डिस्कशंस द यूथ हैव, एंड टू मी दैट इज अ लेसन। हमारा ये अजम्पशन रहता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें कुछ डेप्थ है नहीं, एंड दिस इज अ रॉन्ग अजम्पशन दैट पीपल ऑफ माई जनरेशन एंड पीपल ओल्डर मेक, एंड पब्लिशर्स आर ऑल्सो मेकिंग, कि उन्हें इन सब में रुचि तो है नहीं, उनको बस वो इंस्टाग्राम के बेकार फोटो चाहिए, ठीक है वो भी चाहिए उनको, बट दे वॉन्ट डेप्थ ऑल्सो, इट्स रॉन्ग टू अज्यूम कि उनको नहीं चाहिए ये। मुझे क्या लग रहा है कि मैं खुद को सुन रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मैं यही कहता रहता हूँ और सोचता हूँ एग्जैक्टली। तो दो चीज़ें आपने कही, एक ये कि मैंने भी जब कभी नया कुछ शुरू किया तो मुझे एक सेंटेंस अलग अलग तरीकों से कहा गया, दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया, इट विल नेवर वर्क, करेक्ट। एक पर्सन ने तो एग्जैक्टली यही कहा, औरों ने अलग अलग शब्दों में यही कहा। तो और दूसरा जो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हम जो कम्युनिकेटर्स हैं,
हम अपनी ऑडियंसेस को डम डाउन करते आए और डम समझते आए. थर्टीन इज द न्यू 23. करेक्ट. वो इतने रिच हैं इमोशंस और उनकी मुझे लगता है कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी है. और जैसा कि हम सब एक रेजिमेंटेड थोड़ी हैं. हम तो जैसे मेरा जो लिसनर है वो हनी सिंह को भी सुनता है. करेक्ट. और हमारी कहानियों के साथ रोता है. हम खुद आप देखें, मुझे मतलब इंसेप्शन भी बहुत पसंद है जी. मुझे रोशोमॉन भी बहुत पसंद है. वेरी डीप इंटेंस मूवीज. और मुझे गोविंदा की पिक्चर भी बहुत पसंद है. सलमान खान भी बहुत बिल्कुल, पसंद बिल्कुल, है. व्हाई कांट आई एंजॉय बोथ. एब्सोल्युटली. मैं रजनीकांत का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ. जी जी. ओके. व्हाई कांट आई एंजॉय बोथ. एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं कि तो एक इंसान को एक ही मतलब रास्ता चाहिए. ये जो एक्सेल शीट पे ड्रिवन आता है ना कि ये टीजी है. हाँ करेक्ट. इसके लिए करना है, ये 15 से कम की एज के लिए करना है. और तो ह्यूमन माइंड इज फार मोर कॉम्प्लेक्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड आई एम delighted that you broke the ground and आपके कारण ये बहुत से और लोगों के लिए संभव हो पाया कि इस तरह हिम्मत करें, नई ज़मीन बनाएं. पर आपके बचपन में मैं आपको ले जाना चाहूँगा, उसके बारे में बताइए. आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसा था बचपन? जन्म तो मुंबई में हुआ था. अच्छा. एक बहुत छोटा सा नर्सिंग होम था चेंबूर में. अच्छा. तो मेरे एक मतलब एक जुड़वा भाई है, तो हम दोनों पैदा हुए थे. अच्छा. हाँ, मुझसे 12 मिनट बड़े हैं. अच्छा. मैं 18 मिनट बड़ा हूँ अपने छोटे भाई शैलेश से. अच्छा, क्या बात कर रहे हैं. ये कमाल की बात है आज. 12 मैं छोटा हूँ 12. अच्छा. वो अमेजिंग. वो पहले आप में थोड़ी. उनका नाम क्या? आशीष. ओके. अच्छा. तो वे फ्रेटर्नल ट्विंस, तो हम लोग आइडेंटिकल नहीं है. हाँ, फ्रेटर्नल ट्विंस. तो this is very very uncanny, you know. I've never had this in any. तो बहुत छोटा सा नर्सिंग होम था वहाँ पे. मतलब हमारा परिवार मतलब पहले सरस्वती माँ के बहुत आशीर्वाद थी, लेकिन लक्ष्मी माँ की इतनी आशीर्वाद नहीं थी. तो छोटा सा नर्सिंग होम था. जो जब हम पैदा हुए, मैंने सुना है वो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद ही वो नर्सिंग होम बंद हो गया. बंद हो गया. अच्छा. शायद लगा होगा बहुत पाप हो गए. फिर उसके बाद कुछ साल के लिए हम लोग सातारा में थे, महाराष्ट्र में जी. फिर पिताजी उड़ीसा में गए थे. पिताजी का क्या एरिया ऑफ वर्क? इंजीनियर थे. अच्छा. तो लासन एंड डुब्रो को एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम करते थे. तो आशीष और मैं, हमें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था उदकमंडलम के पास, ये तमिलनाडु में लॉरेंस स्कूल. सतारा, फिर उड़ीसा, फिर तमिलनाडु. अरे वाह. और फिर पिताजी का तबादला हो गया मुंबई में, यहाँ पे आए. तो फिर हमें भी वापस बुला लिया गया और यहाँ हम लोग स्कूल, वहाँ ऊटी में हम लोग लॉरेंस स्कूल में थे. और फिर यहाँ पे कैथीड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल. फिर कॉलेज यहीं मुंबई में, जेवियर्स कॉलेज. और फिर कॉलेज के बाद सीधे मैं एमबीए करने आईएम कलकत्ता गया. उसके बाद सीधे काम. तो आपने जो कितने हिंदुस्तान के अलग अलग चेहरे देखे. हाउ डिड दैट? परिवार मूल रूप से काशी का है. अच्छा जी. काशी. हाँ, मैं अब बात करना चाहता हूँ इस बारे में. बट हाउ डिड दैट ग्रोइंग अप चेंज यू? एंड और इट्स फैंटास्टिक बिकॉज हमारा परिवार, नैनी केस, वेर अ वेरी धार्मिक फैमिली, डीप इन टू आर ट्रेडिशंस. लेकिन चूंकि हम लोग देश के भिन्न भिन्न जगहों में रहे, तो वी गॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम. सो फ्रॉम एन अर्ली एज वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक्चुअली बहुत इंटरप्रिटेशन है. बिल्कुल. जैसे हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, तो हमारे लिए मतलब हम मानते थे कि मानते हैं नॉर्थ इंडियंस कि कार्तिक जी बड़े हैं और गणेश जी छोटे भाई हैं. लेकिन जब मैं तमिलनाडु गया, वहाँ पता चला कि वहाँ पे तो मानते हैं कि उल्टा है. अच्छा. कि गणेश जी बड़े भाई हैं, कार्तिक जी छोटे भाई हैं. नॉर्थ में माना जाता है कि कार्तिक जी कुमार हैं, कुमार. साउथ में माना जाता है कि उनकी दो बीवियाँ हैं. अच्छा. और ये तो सिर्फ मतलब ये सिर्फ शिव जी के परिवार का है, लेकिन अलग अलग हमारे जो पौराणिक कथाएँ हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं, लेकिन श्रद्धा वही है. तो फ्रॉम एन अर्ली एज वी रियलाइज्ड एंड यूज्ड टू स्पीक टू आवर पेरेंट्स एंड दे सेड एवरीवन हैज अ राइट टू देयर ट्रूथ. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर ट्रूथ, दे हैव टू रिस्पेक्ट योर ट्रूथ. वंडरफुल. बीइंग द अदर. या म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो इट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एंड वी आर इट्स सच अ लवली कंट्री, इट्स सच अ ग्रेट कंट्री. यू सी मोर ऑफ इट व्हाइल ग्रोइंग अप. यू अंडरस्टैंड सो मेनी ऑफ द ट्रेडिशंस एंड
you understand why, get a deep love and a deep understanding for why this country has survived for so long. Itne invasions hue aur jo invasion jo akraman hamare upar hue वो कई दूसरे सभ्यताओं पर भी हुए लेकिन जो प्राचीन सभ्यताएं हैं जो मेजर थी उनमें से एक भारत ही अभी तक खड़ा हुआ है बाकी सब मर गए एंड यू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया यू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यू अंडरस्टैंड व्हाई हम लोग वी हैव दिस डिफीटिस्ट एटीट्यूड कि अरे आक्रमण तो हमारे ऊपर आक्रमण होते गए हम हारते गए भाई हम आज भी जिंदा हैं बाकी सब पूरा मर गए ग्रीस रोम इजिप्ट ऑल एंशियंट कल्चर्स ऑल डेड ऑल म्यूजियम पीसेस सेंट्रल अमेरिका हु इज अलाइव टुडे हमें तो प्राउड होना चाहिए एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस एक तो वन वी आर ऑल इंटरलिंक टू ईच अदर बट वी स्टिल हैव वैरायटी तो वी फील अ सेंस ऑफ वननेस बट इट्स नॉट कि अगर एक सर कट गया तो हम सब ध्वस्त हो गए That is a source of strength. Right. Other source of strength is, I think, perhaps recently we have overdone the non-violence thing. Mm-hmm. There's a difference between non-violence and pacifism. Right. Okay. Between, you know, pacifism kya hai? Ki bhai, koi ek bhi jhapad mare, to main dusra gal dikha dunga. Yahan bhi jhapad mar do. That is pacifism. नॉन वायलेंस ये है कि भाई मैं पहला झापड़ नहीं मारूंगा लेकिन आप झापड़ मारोगे तो मैं मुक्का मारूंगा दैट्स नॉन वायलेंस मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं लड़ूंगा आप लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा हमारा ये एटीट्यूड रहा है इट्स बैलेंस्ड करेक्ट क्योंकि अगर ज़्यादा वायलेंस होता है तो सोसाइटी पूरी मतलब जानवरों की सोसाइटी बन जाती है देयर इज नो कल्चर देयर इज नथिंग देयर इज सो मच केओस एंड यू नो And you understand these things when you actually, because ये सभी किताबों हमारी शिक्षा प्रणाली भी यही वैसे बकवास एकदम all colonial education system. We don't understand India. Yeah. But it's when you travel, when you live in different places, learn different languages, you understand so many of these things. काशी से अपना रिश्ता बताइए. मेरे पिताजी का जो परिवार है हम लोग मतलब काशी के हैं माँ जी का परिवार मध्य प्रदेश है पहले सतना फिर ग्वालियर मेरे जो बाबा जी थे पिताजी के पिताजी वो BHU में पढ़ाया करते थे और काशी में पंडित भी थे तो BHU में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे वाह अमेजिंग अमेजिंग पर ये यही तो है हमारी विरासत हाँ और मैंने ये कई बार कहा है मुझे कुछ शर्म नहीं आती कहने में हम लोग बहुत ही गरीब परिवार थे वो समय और बाबा जी वो वक्त देखा है आपने खुद नहीं मेरे माँ बाप ने देखा है जी और मेरे माँ बाप भी जब हम लोग पैदा हुए थे मतलब हम लोग शायद अब लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं जी 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 लेकिन उनके पहले तो मतलब बहुत ही गरीब थे बहुत डिफिकल्ट थे बाबा जी बहुत धार्मिक थे बहुत ट्रेडिशनल थे लेकिन लिबरल भी बहुत थे और उनके हिसाब से अगर कोई भारतीय संस्कृति को सही तरीके से समझे हमारे प्राचीन सभ्यता को तो नेचुरली वो लिबरल बन जाएगा तो उनके 8 बच्चे थे 5 लड़कियां 3 लड़के उस जमाने में तो हाँ हाँ बड़े कुंदन बड़े बड़े परिवार होते हमारे भी बहुत मामा और मौसी हैं और उस जमाने में लड़कियों को कोई नहीं पढ़ा था जी बाबा जी ने हर लड़की को पढ़ाया जो बहुएं आती थी घर में उनको भी कहते थे कि तुम मेरी बहू हो तो सिर्फ ग्रेजुएट से नहीं चलेगा तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएट बनना पड़ेगा तो ये मतलब दबाव होता था कि सरस्वती जी की वंदना करते रहिए तो एक तरफ मैथ्स और फिजिक्स की दुनिया और एक तरफ पांडित्य आप एक तरफ बैंकिंग की कोल्ड नंबर्स सोललेस दुनिया दूसरी तरफ फेथ राइटिंग ट्रेडिशन ये जो जगलिंग है और दो दुनियाओं का रहना साथ में ये विरासत में रहा ये जो आज आप देखते हैं कि फेथ इज डॉगमेटिक भी हो गया है बहुत लेकिन आप जो कुरेद रहे हैं द
the scraping that you're doing on the overwhelmingly the young Indian mind, and most importantly, क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये भारत का जो युवा है या ये वैसा ही है जैसा हमको बताया जाता है, जताया जाता है, या जो आपके पाठक हैं वो कोई और थोड़ा इवॉल्व लोग हैं, और धर्म को और आस्था को किस तरह से देखते हैं वो? देखिए, जो धर्म का, जो धर्म का कई बार गलत अनुवाद कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं रिलीजन, बिल्कुल धर्म वो नहीं है, फेथ वो तो पंथ है जी। जो धार्मिक जो नजरिया है हमारे भारत देश की, जो प्राचीन परंपरा है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, अगर आप हमारे शास्त्र को पढ़ें और समझें, सब ठीक से सिखाया जाए, तो आप देखेंगे इसमें अंधविश्वास नहीं है जी। इसमें विश्वास का विश्वास की जगह तो है, लेकिन अंधविश्वास की जगह नहीं है। अंधविश्वास कब होता है? अंधविश्वास तब होता है जब आपसे कहा जाता है कि आप प्रश्न नहीं उठा सकते जी। कि किसी ने, भगवान ने कह दिया तो कह दिया, या किसी ऋषि या किसी मसाया या किसी ने कह दिया तो कह दिया। लेकिन आप रामायण महाभारत में भी आप देख लें कि अगर कृष्ण भगवान महाभारत के अंत में माँ गंधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया महाभारत के अंत में, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उल्टा कहा गंधारी को, माँ गंधारी को, तो क्या समझती है अपने आप को, मैं भगवान हूँ? उन्हें ऐसा नहीं कहा, उन्हें कहा माँ आपने आशीर्वाद दिया है, मुझे स्वीकारना पड़ेगा। ये हमारा रिश्ता रहा है कि हम धर्म के मापदंड पर, हम भगवान पे भी प्रश्न उठा सकते हैं, और भगवान भी जज नहीं है, वो नहीं कहेंगे तुम सही हो, तुम गलत हो, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम नरक जाओगे, ऐसा नहीं है। आप खुद निर्णय करेंगे कि आपके, आपकी आत्मा के साथ क्या होगा अपने कर्म के द्वारा। तो भगवान भी आप ही हैं। ये नमस्ते का मतलब क्या है कि आई बाउ टू द डिवाइन विद इन यू, हमारी ये परंपरा रही है। विश्वास अंधविश्वास तभी बन जाता है जब हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दें। हमारे पूर्वज ऐसा नहीं करते थे, तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से दो तीन कारण हैं इसके। एक तो यस वी हैव सर्वाइव्ड द इन्वेजन्स, लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया है। जो डेप्थ तो था हमारा, हमारे नॉलेज का, बहुत कुछ हमने खो दिया है। प्राइड, प्राइड खो दिया है। और जो प्राचीन जो हमारा मतलब ज्ञान का जो भंडार था, हम उसे सीख भी नहीं रहे। देर आर एटलीस्ट 3 to 3.5 million manuscripts दैट हैव सर्वाइव टिल टुडे। इमेजिन क्या नॉलेज प्रोडक्शन होता था हमारे पूर्वजों का। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, ग्रीक विच इज़ द मदर कल्चर ऑफ यूरोप, ग्रीक नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट हैव सर्वाइव टिल टुडे इज ओनली 20,000। ओह माय गॉड। और इंडिया का 3.5 million। एंड ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं है, साइंटिफिक किताबें, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ज्ञान का भंडार है। और हम लोग ने तो अभी सिर्फ टैब्यूलेट किया है, वी हैवंट अनुवाद भी नहीं किया है। अनुवाद के बाद तो स्टडिंग शुरू करेंगे। ये ज्ञान का भंडार है, हमको कुछ मालूम नहीं है। हमारी दूसरी बात, हमारी शिक्षा प्रणाली भी ऐसी है, ये कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम अभी तक चलता चला आ रहा है। और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका एम ये है कि भाई आपको अंग्रेज कैसे बना दिया जाए, बस। करेक्ट। जितना ज़्यादा इंसान पढ़ लिख जाए उतना कम भारतीय बन जाए। दिस इज द एम ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम। तो हम पश्चिमी देशों की अच्छी बातें नहीं सीख रहे हैं, लेकिन इनकी जो सब बुरी बातें हैं वो सब सीख रहे हैं। ये अंधविश्वास जो है, ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कल्चर से आया है कि भगवान ने कह दिया तो कह दिया। ये इंडिया का तरीका नहीं है। करेक्ट। आप देखेंगे अंग्रेज में मेल गॉड को कैपिटल जी से लिखते हैं जी। आपने देखा है गॉडेस को स्मॉल जी से लिखते हैं? क्यों? ये उनके उनकी जो सभ्यता है उसका एक प्रतीक है भाई, मेल गॉड इज हायर। अपने संस्कृत में ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। मेल गॉड हो या फीमेल गॉड हो, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप वही शब्द इस्तेमाल करेंगे। तुम गॉड, गॉडेस, देव, असुर, जो भी हो, या मैं आप इंसान से बात कर रहा हूं, वही शब्द होगा तुम।
कुछ फर्क नहीं होता है ना. लैंग्वेज गिव्स यू अ क्लू कि कल्चर क्या था वो ज़माने में, लेकिन हम ये सब सीखते नहीं हैं. दैट इज़ वाई इतना ये सब ये अंधविश्वास आ गया है. नाउ आई एम नॉट सीइंग देयर आर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन भी हमारे पास ही है. वी नीड टू यूज़ आवर एंशिएंट कल्चर टू रिवाइव दिस. तो जो द मिलियंस ऑफ पीपल हु रीड योर बुक्स और जिनसे आप जब रूबरू होते हैं, जब जाते हैं, ये डज इट गिव यू होप दैट दे आर क्लिंगिंग टू द स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट साइड्स ऑफ फेथ एंड नॉट क्रॉसिंग ओवर टू समथिंग दैट्स डॉग्मेटिक. द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट द यूथ ऑफ टुडे, विच इज समथिंग दैट मेनी पीपल से इज नॉट गुड, दैट दे आर अ वेरी रिबेलियस बंच, दैट दे विल कीप क्वेश्चनिंग थिंग्स. करेक्ट. वो माँ बाप से भी प्रश्न उठाते हैं, हर किसी से प्रश्न उठाते हैं, एंड लोग कहते हैं नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं संभाल रहे. आई ऑलवेज से इनफैक्ट द यूथ आर मोर इंडियन बाई बींग रिबेलियस. तो ये हमारी परंपरा रही है. माँ बाप से क्या, हम तो भगवान से भी बगावत कर लेते थे. हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए, इवन सिंपल बेसिक रियलिटीज ऑफ इंडिया दे डू नॉट टीच. लाइक जब मैं बच्चा था, सेकेंड स्टैंडर्ड में मुझे सिखाया गया था कि भाई हमारे देश में चार सीजन्स होते हैं, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग. और मैंने पूछा था वो समय, मैडम मानसून का क्या हुआ? करेक्ट. नाउ कितना, मैं 44, 44 साल हो गए मेरे, इतने साल निकल गए, मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, उसे भी वही सिखाया जा रहा है, फोर सीजन्स. अरे फोर सीजन्स यूरोप में होते हैं, हमारे इंडिया में छह सीजन होते हैं. इतनी बेसिक चीज भी हमको अंग्रेज बनना है, इंडिया के बारे में कुछ मत सिखाइए, एक बबल बना दीजिए. सो यू विल सी एवरीथिंग दैट इज टॉट हैज नो कनेक्शन टू इंडिया, एंड विच इज वाई वी फील रूटलेस. सो हाउ द यूथ हैव द राइट एटीट्यूड, बट आर एजुकेशन सिस्टम, आर पॉपुलर कल्चर इज नॉट हेल्पिंग देम, इज नॉट गिविंग देम नॉलेज. मेरे घर में हाल में एक पंडित जी आए थे, पूजा हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बताई जिससे मुझे आपकी किताबों की और आपकी याद आई थी. वो यज्ञ का मतलब बता रहे थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी के लिए एक लिखने के लिए एक मेज़ ढूंढ रहे थे और वो महंगी थी तो वो कुछ वक्त तक ले नहीं पाए. और फिर जब बताया गया कि एक दुकान है जहां वो मिलती है वैसी मेज़ जो आधे दाम में मिल गई, तो उन्होंने ख़रीदी और फिर पूछा कि आप ये बाकी शहर से आधे दाम में क्यों बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इस पर बच्चे पढ़ते हैं और मेरे पिताजी तो मुफ्त में ये दिया करते थे, मैं उतना समर्थ नहीं हूँ तो मैं कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ. तो पंडित जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि यह आपका यज्ञ है. यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप होम कर रहे हैं या नहीं. जी जी जी, करेक्ट करेक्ट. कहीं ना कहीं यही सुर है. क्या मतलब है कि आप कुछ बलिदान दे रहे हैं, कुछ आशीर्वाद या दुनिया में कुछ फायदा हो. और जिंदगी का मतलब ही यज्ञ है. हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें यज्ञ करना है. हमें कुछ देना है और संसार उसके बदले हमें कुछ देगा. शायद इसमें कभी फायदा हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है, ये तो जिंदगी का रिवाज है. लेकिन हमें यज्ञ करते रहना जी, यही तो जिंदगी. तो यही मुझे लग रहा है आपकी यही जिंदगी, आपका लेखन, आपकी किताबें यही संदेश दे रही हैं कि जो रिलीजन है वो असल में वे ऑफ लिविंग है, वो जीवन का हिस्सा है. और उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और बेहतर इंसान बन पाएँ, आसपास की दुनिया को और समझ पाएँ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. और हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस महान देश में पैदा हुए हैं, इतनी महान हमारी धरोहर है. अगर उससे कुछ सीखें और इस देश को फिर से उज्ज्वल रास्ते पर ले जाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है. ये ना हो कि जब इस ज़िंदगी से हम आगे बढ़ें, अगली ज़िंदगी के लिए जब पितृलोक में जाएं और हमारे पूर्वजों से मिले, तब शर्म नहीं आनी चाहिए. Thank you.
हूँ।